यार इन वाली मीम का पीरियड आ रहा, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तू पागल है क्या? मैम मैम भी कोई डरने की चीज है। चल चल छोड़। अच्छा देख मैं आज क्या लाई हूँ। इमली की टाफी। यार मेरे तो दांत अभी से खट्टे हो गए सोच के। मुंह में पानी आ रहा है। A few moments later. This is a class or a fish market. I am standing here and nobody is bothered कि ma'am has entered the class. Busy talking. Morning, all of you. Sit down. Okay. So today we will be reading chapter 4. So I can ask anybody to stand up and read. So it's better you pay attention. One by one, you have to start reading. And then I'll explain the chapter. First you start. हमें भी बता दो क्या इतना फनी है। पूरा क्लास हंस लेगा। Why you are wearing these sunglasses at the class? This is a fashion parade or your school? मैम वो आंखों में मेरे इन्फेक्शन हो गया ना, तो डॉक्टर ने बताया कि सनग्लासेस लगा के जाओ वरना दूसरों को भी कैच कर लेगा। ओके देख तू ऐसे डरती रहती है। कैसा हैंडल किया मैंने मैम को, अब मैं ये सनग्लासेस रोज लगा के आऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता ये नॉर्मल स्कूल आना। मीनवाइल एवरीबॉडी आई वांट टू सी यू इन टू प्लीट्स। सबको दो चोटी बांधनी है विद प्रॉपर ऑयलिंग। यू हैव टू कट योर नेल्स, पॉलिश योर शूज, योर ड्रेस शुड बी क्लीन। और वैसे भी व्हेन यू टाई टू प्लीट्स यू लुक स्मार्ट। आप पढ़ने में अच्छे हो या ना हो, राइट बबली? मुझे खुद ही पता है मैं सूरज शक्ल की अच्छी हूँ। खाली ये दो चोटियाँ थोड़ी ना मेरी ब्यूटी में इजाफा कर रही हैं। ये चोटियाँ तो मैम ने कहा है कि दो प्लेटें रोज बांध के आओ, तो मैं बांध के आ रही हूँ। वरना मेरा बस चलता तो मैं पोनीटेल बांध के आती। और वैसे भी छुट्टी में निकलते ही मैं पोनीटेल बांध लेती हूँ, स्कूल आते टाइम पोनीटेल बांध के आती हूँ। तुम ही डरती रहो। ब्रिंग योर कॉपी हियर, शो मी योर वर्क। कितना काम किया आपने? बस इतना काम है? मैंने इतना ही करवाया है तो काम कंप्लीट नहीं है आपका? नो मैम। क्यों? व्हाई योर वर्क इज इनकम्प्लीट? भूल गए खाना खाना भूलती हो? टीवी देखना भूलती हो? मोबाइल चलाना भूलती हो? स्कूल का काम भूल गई? ओके एवरीबॉडी, टुमारो आई एम गोइंग टू चेक योर कंप्लीट वर्क। Complete means chapter 1, 2, 3 and today I'll be teaching you chapter 4th. तो ये सारा काम आपका copies में complete होना चाहिए with fill in the blanks, exercises, long questions, short questions. Each and every student has to be present tomorrow and submit your copy. Don't try to act smart, okay? कोई छुट्टी नहीं करेगा कल। Nobody will be absent tomorrow. Especially you, Bubbly. You are a new admission, तो आपको काम अपना complete रखना चाहिए ना? Okay, ma'am. अभी तो period over हो गया है। Tomorrow means tomorrow. I want all your copies on my desk before I come. A few moments later. अरे lunch करते हैं ना? ना, मैं अपना काम complete करूँगी। मुझे ma'am से कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता ये काम। जा, लिखती रहे। हाँ ठीक है तू कर ले। यार बताओ मैं कैसे करूँगी इतना काम, मेरे 3 चैप्टर नहीं हुए अभी तक। इतना परेशान क्यों हो रही है? हो जाएगा काम। अरे तेरी तरह दिलेर नहीं हूँ भैया मैं, मुझे डर लगता है काम। मैं क्या करूँ? हमें बताओ, मम्मी हम कल कॉपी चेक करेंगी। मम्मी है स्कूल मेरा बदलवा दिया, स्कूल में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत डरती हूँ भैया, मुझे मैम की मार से डर लगता है। मैं तो करके आऊँगी कल सारा काम। कुछ नहीं होता है, तेरा काम कंप्लीट होगा ना इसलिए तुझे कुछ नहीं लग रहा है। हाँ तो मेरा तो एक भी पेज नहीं हुआ अभी तक। सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी तक। मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं खुद ही शादी में जाना है। आज जाते तैयार होकर नानी के चले आएंगे, वहीं से शादी में जाएंगे। मैं काम कर ही नहीं पाऊँगी। हैं? अरे देख लेंगे कल जो होगा देखा जाएगा। अच्छा 6.5 hours later. सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो।
आई है, इनको क्या हुआ? ऐसा हो रहा है, इनका मुंह निकला हुआ इतना सा। जादूलन जाके जरा पूछे क्या हो गया, आज स्कूल में मैडम ने मारा वारा है इनके क्या? मुझे भी यही दिया, मैडम ने आज अच्छे से क्लास लगा दी इसकी। हो ना हो, जरूर मैडम ने उसे कुछ कह दिया है मासूम बच्ची को मेरी। इतना सा मुँह निकाले हुआ आइए, सलाम का सही से जवाब कब दिया? ऐसे लटमार सलाम करते हुए देखिए सीधी कमरे में को, देखियो बैग ऐसा फेंका इनने। अरे बच्ची बैग को चूम लो, नेक बखर बैग को चूम लो, तो वैसे तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। और तुम वो करो, क्या हो गया? और काम मिला है स्कूल में। अरे रोटी तो खा लो पहले, वो हो जाएगा काम। मैं खाना वाला नहीं खाऊं। जी जी खाना तो तैयार हैगा। भाभी से करा लियो, भाभी लिख देंगी थोड़ा सा। खुद लिख लूंगी मैं सब। अच्छी बात है, खुद ही करो। अरे तुम भी तो बेटी पूरा जब सर पे आ जाती है तुम्हारे, तुम तब पिन पिन आती हो। मैडम ने कहा होगा चार डंडे पकड़ेंगी तो यूँ ज़रा डर गई। अब क्या ना मम कह रही हैं मम्मी, मुझे बताइयो मैं सही कर दूँगी जाके स्कूल में मैडमों के सबके दिमाग। हाथ भी लगाया होगा मेरे बच्चे को। अब जाएंगी उनको कैसे बताऊँ, मैम ने तो खास कर ही नहीं मना किया आने से। चलो भैया काम करना है इतना। तुम भी कर दियो ज़रा से बच्चे का काम। मैं क्यों करूँगी इसका काम, मैंने आज तक अपने स्कूल का काम नहीं करा कभी। मेरी दोस्त आना पम्मी मेरा काम कर करके देती थी। कल ना कभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया स्कूल का, ना कभी प्रैक्टिकल बनाया, सब मेरी दोस्त करके देती थी, इनका कर रही हूँ मैं। अब भाभी कर देंगी, अब तुम इतना मत खोलो। देख लो इनको कैसी अपनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली दे रही है। इन्हीं को बहुत शौक था, जहाँ सा वो आड़ी बाड़ी में पढ़ रही थी उठा के इसको अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया। अब जब इंसान शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा तो कैसे पढ़ लेगा फौरन अंग्रेजी मीडियम में। बस हिस्सा करना है सबका। सही थी वहाँ ये, अब इसको क्या आएगा इतने साल के बाद, अपनी मर्जी चलाते हैं। और अगर कोई ज़्यादा परेशानी की बात होगी तो मैं जाके मैडम से बात कर लूँगी। अच्छा और मैं कोई कम हूँ? मैं खुद माशाल्लाह से बहुत पढ़ी लिखी होंगी, मैं बीए करे हुए हूँ, पर मैं ऐसी जाहिल हूँ, मैं कोई इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इनसे ज़्यादा अच्छी बात कर लूँगी मैडम से। तुम्हारे सब बहन भाइयों के मीटिंग में मैं गई हूँ। आ जाती थी पेटीएम में,